बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान, आर के प्लेटफॉर्म से एनएमडी कैट सेशन 2021 में एफएलपी नंबर 7 की लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट की डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ। पहला सवाल है हमारे पास, इन 2016 में अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपीयर्ड अ प्रोटेस्ट इन लंदन अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं 2016 में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है, यानी उनका प्रोटेस्ट में जो नंबर था वो सबसे ज़्यादा था। रिसेंटली हालिया क्या हुआ है जी, द गवर्नमेंट सजेस्टेड, गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया है दे वुड बी रेजिंग ट्यूशन फीस, कि वो ट्यूशन फीस में इजाफा करने जा रहे हैं फ्रॉम 9,000 pound टू अ हायर वैल्यू ज़्यादा तक। स्टूडेंट यूनियंस अक्रॉस द कंट्री स्टेटेड दैट, जो कंट्री के अक्रॉस स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने ये कहा है, दे वुड बी एडवोकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एट वेस्टमिंस्टर, कि वो वेस्टमिंस्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे इफ अगर द गवर्नमेंट सजेस्टेड रेजिंग ट्यूशन फी टू ओवर 10,000 पर ईयर, 10,000 pound, यानी कि वो कहते हैं राइज करें, मान लें आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 10,000 पर ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। These unions mobilized for the protest in 2016. ये हमारा पैराग्राफ था जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली वो ट्यूशन फीस जो है रेज करने जा रही है, तो स्टूडेंट यूनियंस ने ये बताया कि वो एहतजाज करेंगे ऑर्गेनाइज होकर अगर 10,000 पर ईयर से ज़्यादा की गई। और ये भी बताया गया 2016 में बहुत ज़्यादा था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट में अपीयर हुई। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट प्लान टू रेज ट्यूशन फी टू ओवर 10,000 पर ईयर, बिल्कुल इससे ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने स्टूडेंट यूनियन का ये कहना था कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हुई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसका बात बिल्कुल ठीक है आंसर, यानी ट्रू अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ ओनली सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स दैट प्रोटेस्टिंग एट वेस्टमिंस्टर, ये बात गलत है, इस बारे में कोई भी नहीं बताया गया, मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात की गई है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट हैं इसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। सो इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटर एंड सैंपल सीरीज से हमारे पास एरो दिए हुए हैं। इस एरो को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, सब बच्चे हैं आप माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट, घड़ी से टाइम देखना आता है आपको, ये मैंने घड़ी बना दी। आप देखें पहला एरो आपका यहां पर बना हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा एरो एक और दो के दरमियान में है, 45 डिग्री रोटेट हुआ है। इसी तरह अगर हम तीसरा एरो देखें तो वो 3 o'clock पर है, नेक्स्ट इसी तरह 4 और 5 के दरमियान है, फिर 6 पर है, और लास्ट जो हमारे पास है वो बेटा कुछ ये एरो है 7 और 8 के दरमियान। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब नेक्स्ट एरो 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो 9 पर आएगा और ये डायरेक्शन बनेगी, सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर्स दिए हुए हैं, इसको देखना है हमें, जज करना है कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो देखें 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, 6 3s are 18, 18 3s are 54, और जब बेटा 54 को 3 से मल्टीप्लाई कहेंगे, 3 4s are 12, 1 carry, 3 5s are 15 एंड 1 16, 162, बीटा इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप गौर करें तमाम सीरीज के अंदर डी ई एफ यही तीनों अल्फाबेट्स रिपीट हुए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास डी ई एफ आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, इनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले 111 है, फिर 112 है, फिर आपके पास 122 है। आप देखें पहले यहाँ पर 1 की जगह 2 चेंज हुआ, फिर इस 1 की जगह 2 चेंज हुआ, तो अब इस 1 की बारी है, आपके पास ये आ जाएगा 222, और आगे देखें फिर इस 2 को पहले उसने 3 किया हुआ है, मतलब आपके पास आंसर आना चाहिए D2E2F2 विच इज डेल्टा, सो डेल्टा इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल किंग्स आर बैगर। लो जी ये सारे किंग्स बैगर बन गए। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल बैगर्स आर लेबरर्स, सारे बैगर्स लेबरर बन गए। ऑल लेबरर आर पीपल, सारे लेबर पीपल बन गए। ये स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर से अब हमने कंक्लूजन सेलेक्ट करना है। कंक्लूजन में सबसे पहला कंक्लूजन है, सम पीपल आर किंग, कुछ पीपल जो हैं वो किंग हैं। बात बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन फॉलो करेंगे। नो लेबर इज किंग, ये बात गलत है। ऑल किंग आर लेबर, सारे के सारे किंग जो हैं वो लेबरर हैं, ये बात ठीक है। ऑल लेबर आर किंग, सारे के सारे लेबर किंग हैं, ये बात भी गलत है। तो आंसर है आपका 1 and 3, ओनली 1 and 3, 1, 2, 1, 4 यहां है ही नहीं। सो आंसर नन ऑफ दीज, ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ किरण सेज, अगर किरण ये कहती है, रायान्स मदर, रायान की जो वालदा है, इज ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, यानी रायान की जो वालदा है वो डॉटर है मेरी वालदा की, और लव्स लिखा हुआ है यहां पर ओनली, ओनली का मतलब इकलौती बेटी है, ठीक है जी। तो अगर इसकी इकलौती बेटी रायान की वालदा है और वो उसकी वालदा है, इसका मतलब किरण खुद अपने बारे में बात कर रही है, तो इसका किरण से जो रायान का रिश्ता बनेगा वो उसकी वालदा का ही बनेगा, और यहां पर अंकल ग्रैंडफादर वालदा नहीं है। सो अगेन नन ऑफ दीज, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो बेटा वेदर फोरकास्ट बताता है, ठीक है जी। हैज रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया है, दैट स्वेयर स्टॉर्म, एक इंतहाई सख्त किस्म का तूफान, लाइकली टू हिट द सिटी, जो सिटी को हिट करेगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगले 48 घंटों में। ये पेशीन गोई की गई है मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक स्टॉर्म, एक तूफान का पेश खैमा है जो नेक्स्ट 48 आवर में आने वाला है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इसके अगेंस्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज ऑल बिजनेसेस एंड एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स क्लोज डाउन फॉर 2 डेज। बिल्कुल ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन के लिए, ताकि तूफान आकर चला जाए और तब तक सारे लोग उससे बच जाएं, बिजनेस और एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स को क्लोज कर देना चाहिए। ओके, सेकंड है हमारे पास, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट मेक द इंफॉर्मेशन पब्लिक एज कुड क्रिएट पैनिक अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, ये बात गलत है। अगर हम पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो वो लोग 2 दिन तक कैसे रहेंगे, उन्हें खुराक की ज़रूरत है। अगर हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे तो छुट्टी के साथ वो अपना जो खाने पीने का सामान है और बाकी मामलात हैं उस तमाम की देखभाल करके प्रिकाशी मैयत पर तैयार होकर, प्रिपेयर होकर तूफान का सामना करेंगे। लेकिन अगर बेखबर होंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसलिए पब्लिक करना ज़रूरी है। सो 1 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओनली अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट लास्ट एग्जामिनेशन एवरी ईयर इन मार्च अप्रैल इन ऑर्डर टू अनाउंस द रिजल्ट एट प्रॉपर टाइम। यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ने ये डिसाइड किया है कि हर साल मार्च अप्रैल में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, प्रॉपर एग्जाम लिया जाएगा और रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे अनाउंस किया जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? अगली स्टेटमेंट है जी, इन द पास्ट रिजल्ट, जो पिछला रिजल्ट है हमारा, वाज डिक्लेयर लेट, वो लेट डिक्लेयर हुआ बाय द यूनिवर्सिटी ड्यू टू, यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि लैक ऑफ नंबर ऑफ एग्जामिनर्स की वजह से लेट हुआ। इसका मतलब सेकंड इज कॉज, 1 इज इफेक्ट, बीटा इज द राइट आंसर। तो ये अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, मैनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीकेंड, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस प्लेस को विजिट करते हैं हफ्ते के आखिर दिन। सेकेंड है हमारे पास, फ्यू पीपल, कुछ लोग विजिट द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीकडेज, कुछ लोग जो है वो वीकडेज में जाते हैं। अब कुछ लोग वीकेंड पे जाते हैं, कुछ लोग वीकडेज में जाते हैं, दोनों की अपनी अपनी कोई वजह हो सकती है। हो सकता है जो लोग वीकडेज में जाते हैं वो इस वजह से जाते हों कि वीकेंड पे रश बहुत ज्यादा हुआ, और जो लोग वीकेंड पे जाते हैं हो सकता है वो कहते हैं कि ज्यादा एंजॉय करने का मौका मिला हो। खैर, दोनों के डिफरेंट काज भी हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां पर चूंकि एक चीज कॉमन है कि रिलीजियस प्लेस को विजिट किया जा रहा है,
इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट ने अलॉट किया हो कि फलां लोग पहले जाएंगे फलां लोग बाद में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बन रहा है ईटा, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेस। ठीक है बेटा, इसका ईटा आंसर है। इसके साथ ही हमारी डिस्कशन FLP नंबर 7 की एंड हुई। कल इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा नई डिस्कशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।